करेंगे गर्म पानी पीने के नुकसान और गुनगुने पानी पीने के फायदे। तो चलिए आज हम बात करें इन दोनों पानी यानी कि गर्म पानी और गुनगुने पानी के नुकसान और फायदों की। दोनों में बहुत फर्क है। पानी हमारे शरीर के लिए जीवनदान है, अमृत है। ये कुदरत का एक अनोखा अनूठा दान है पूरी सृष्टि के लिए। और क्या आपको पता है हमारे शरीर में जो 70% हिस्सा होता है वो होता है पानी का। जी हाँ, हमारे शरीर में 70% पानी होता है। ये जो 70% पानी होता है ये हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को हाइड्रेट रखता है, उसको चलाने में, शरीर के अंगों को चलाने में मदद करता है। हमारे शरीर में तमाम जो बीमारियाँ होती हैं वो गंदा पानी पीने से यानी कि दूषित पानी पीने से होती हैं। आपके बालों का झड़ना, आपके स्किन पे उसका असर दिखना, आपके शरीर के अंदर जो तमाम बीमारियां होती हैं वो सिर्फ एक गंदा पानी पीने से होती हैं, दूषित पानी पीने से होती हैं। क्या आपको गर्म पानी यानी कि ज़्यादा गर्म पानी और गुनगुने पानी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता है? अगर आप सुबह उठकर खाली पेट ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान दे सकता है, आपके किडनी पर भी असर कर सकता है और आपके मुंह पर भी छाले कर सकता है। जहां गर्म पानी पीना आपकी सेहत को हेल्दी रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपके हेयर और आपके स्किन को हेल्दी रखता है, आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, वही गर्म पानी पीना कई बार आपको नुकसान भी कर सकता है। और एक बात, जो लोग सोने से पहले गर्म पानी पीते हैं वो गर्म पानी ना पिए, क्योंकि इससे क्या हो गया, अगर आप सोने से पहले गर्म पानी पियेंगे तो आपको बार बार यूरिन आएगा और आप उठकर बार बार बाथरूम जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगी। और जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, वो तो कम से कम बिल्कुल भी रात को गर्म पानी बिल्कुल ना पिए, सोने से पहले बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी नींद खराब होगी। और जब नींद खराब होती है तो ये आपके फेस पर, आपके सारा दिन की एक्टिविटीज़ में बहुत असर करता है। इसलिए आप, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, वो रात को सोने से पहले गर्म पानी ना पिए। आप गुनगुना पानी ले सकते हैं मगर गर्म पानी अवॉइड करें। ऐसा हम सुनते आए हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि दिन में 6 से 7 या 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ पीजिए, पर कहीं ना कहीं ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होना भी ये कई बार नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए उसको उतना ही पीजिए जितना आपकी प्यास है। अगर आप पानी को गर्म करें और फिर उसके बाद उसको ठंडा करें और उसके बाद उसको पिएं, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी अगर आप पिएं, तो आपको पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आप सॉफ्ट ड्रिंक की जगह गुनगुना पानी लीजिए। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का रस और काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च मिक्स करके पीजिए, ये आपके शरीर को बहुत फायदा करेगा। गुनगुना पानी पीने से एसिडिटी हटती है क्योंकि ये हमारे पेट को साफ रखता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप एक काम करिए, आप सुबह खाली पेट उठकर गुनगुना पानी लीजिए और उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ लें और उसको आस्ते आस्ते पीजिए। कम से कम आप एक ग्लास लें और उसके बाद अगर आप दोबारा प्लेन वाटर यानी कि गुनगुना पानी बिना नींबू के अगर आप लें तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और पेट साफ रहने का मतलब क्या है? बालों से जुड़ी समस्याएं, स्किन से जुड़ी समस्याएं, पेट से जुड़ी समस्याएं, शरीर की तमाम बीमारियां सब दूर होती हैं अगर आपका पेट ठीक रहेगा, साफ रहेगा। तो कुछ लोग ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं। ठंडा पानी आप अवॉइड करें क्योंकि ये आपके गुर्दों पर असर कर सकता है। अगर आपको पानी ही लेना है तो आप गुनगुना पानी लें और दवाई भी आप गुनगुने पानी से ही लें, ठंडे पानी से नहीं। गुनगुना पानी पीने से आपकी स्किन ग्लो करेगी,
वेट लॉस होगा। ज़्यादा गर्म पानी और ज़्यादा ठंडा पानी दोनों ही आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप हमेशा प्रेफर करें ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी। जब भी आपको प्यास लगे आप गुनगुना पानी प्रेफर करें। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्यास लगने पर गर्म पानी लो या फिर गुनगुना पानी लो, हम हमेशा ठंडा पानी प्रेफर करते हैं जब भी हमें प्यास लगती है, खासतौर से गर्मियों में। मगर आप अगर गर्मियों में भी ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी अगर लेते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ये आपको हमेशा अंदर से स्वस्थ रखेगा और जब आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो आप बाहर से भी स्वस्थ दिखेंगे। आपके हेयर, आपके स्किन और आपकी हेल्थ तीनों पर गुनगुना पानी एक चमत्कार करेगा, क्योंकि 70-80% हमारे शरीर में पानी होता है। इसलिए अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं तो ये हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं और ऐंठन है उस पर भी ये काफ़ी असर करता है, काफ़ी इफेक्ट करता है और इस तरह हमारी बॉडी को ये हेल्दी रखता है। रोज़ सुबह आप गुनगुना पानी उठकर लें या जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको प्यास लगे आप गुनगुना पानी प्रेफर करें और इसको एक रूटीन बना लें। इससे आप देखेंगे कि आपके शरीर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, आपके लुक्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, आपकी हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पानी पीने से आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहेगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक रहेंगे। जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक रहेंगे आपका शरीर अंदर से ठीक रहेगा तो आप बाहर से भी हेल्दी दिखेंगे। इसलिए हमेशा अपने रूटीन बना लीजिए कि आप गुनगुना पानी प्रेफर करें, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। हमारा शरीर 70-80% भाग पानी से बना हुआ है और इसीलिए गुनगुना पानी हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनकी ऐंठन को दूर करता है। रोज सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना अपने रूटीन में शामिल करें, ये आपके स्किन को साफ करेगी और ग्लो करेगी और साथ ही साथ आपकी ड्राई स्किन की समस्या भी चली जाएगी। तो भूलिएगा मत, ना ज़्यादा गर्म पानी ना ज़्यादा ठंडा पानी, सिर्फ गुनगुना पानी यानी ल्यूकवॉर्म वाटर।